हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रियलमी नार्जो 50A के डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन के बारे में। तो देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले कनेक्टर और यहाँ पे ग्राफिक की इतनी सारी लाइन दे रखी है यहाँ पे। तो इनको सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से बजर रेंज पे रीडिंग लेना है, और रीडिंग ना मिले तो आपको किस तरीके से रिपेयर करना दोस्तों। तो ये सारी लाइन यहाँ से निकलने के बाद इनकी लाइनों के बीच में एक रजिस्टर है, तो इन रजिस्टरों पर आपको रीडिंग लेना है कूल टेस्टिंग से। और रीडिंग ना मिलने पर आपको देख लेना है तो आपका किस पॉइंट पे सप्लाई आ रही है, तो उसको बाईपास कर सकते हैं हम। तो डायरेक्ट हम यहाँ से उठा के जंपर मार सकते हैं। और ये जो लाइन हमारी देख सकते हैं, सारी लाइन हमारे सीपीयू के अंदर जा रही हैं। बची हुई ये तीन लाइन जो कि एलसीडी बीएसएन नेगेटिव और पॉजिटिव, बीएसएन पॉजिटिव, और ये हमारी एक वोल्टेज की लाइन। तो ये लाइन तो दोस्तों यहाँ पे आती है, ये हमारी देख सकते हैं बीएसएन वाली इस आईसी के अंदर। और जो हमारी ये वाली वोल्टेज वाली लाइन है पीएमयू वाली, तो ये वोल्टेज की लाइन मैं आपको चेक कराता हूँ वो कौन सी आईसी से आ रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज दोस्तों यहाँ से आ रहा है, देख सकते हैं। और जो दूसरा वाला वोल्टेज है यार, बीपीएच पावर वाला, ये वोल्टेज मैं आपको चेक कराता हूँ, ये वाला वोल्टेज जो है हमारा बीपीएच पावर का, वो कौन सी आईसी से आ रहा है इस आईसी के लिए। तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों हमारा इस आईसी से बनना है, देख सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा इस मॉडल में डिस्प्ले ग्राफिक वर्क कर रहा है दोस्तों। थैंक यू।